शुरू हो गया ना। मैंने बहुत सुंदर फोटो भेजे आपको। अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और नितम सोमानियो जी के नेतृत्व में हमने इस महाअधिवेशन का आयोजन किया है ताकि हम इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि कानून है उसके ऊपर हम रोशनी और प्रकाश डाल सके और जितने भी यहाँ हमारे प्रदेश के जितने भी युवती महिला उन सबको बताने के लिए कि हमारा सरकार हमारा भाजपा सरकार आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बिल जो कि 30 साल से पड़ा हुआ था उसको पारित किया है। इसको बताने के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए फिर से मैं सम्मानित मंच को मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा और जितने भी उपस्थित तमाम जो छात्र और जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता सभी को मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा। मैं हम आशा रखते हैं कि आपको इस महाअधिवेशन के बाद में इस बिल के ऊपर बहुत ही जानकारी प्राप्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको मैं फिर से दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मिस अर्पिता जी और उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर और खास करके आज के इस महाअधिवेशन में जो अचीवर्स लोग जो आप लोग आए हुए हैं अलग अलग रीजन से और साथ ही साथ हमें बताया गया कि आज के इस युवाजी महाअधिवेशन में बहुत सारे यंग जनरेशन जो लोग कॉलेजेस में हैं यूनिवर्सिटीज में हैं आप लोग कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जितने भी हमारा खास करके महिलाओं की तरफ से पंचायत के ओर से आए हुए और हमारे अरुणाचल प्रदेश के पंचायत के अध्यक्षता भी यहाँ पे है बिरी शांतो जी भी यहाँ पे और हमारे मीडिया के दोस्तों। तो जैसे हमारा युवा प्रेसिडेंट युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट श्री रितिमसो मान्यू जी ने जो कहा और हमारे दिल्ली से जो आए हैं अर्पिता जी कि स्टेट में पूरे देश में ये जो कार्यक्रम है अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत होते हुए जितने भी जो राज्य है सभी राज्यों में इस प्रकार का इंटरेक्शन प्रोग्राम और आयोजन किया जाएगा और फाइनली जाके नेशनल लेवल में भी वहां पे एक बड़ा इवेंट इस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। सो मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे टीम को और साथ साथ अर्पिता जी आप सभी को भी मैं बधाई देता हूँ कि जैसे पार्टी ने गलती ना हो इसलिए हम सब के गलतियों को मिटाने के लिए दूर कराने के लिए अच्छा सजेशन सुलाभ देने के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी SOVs को भी हम भारतीय जनता युवा मोर्चा अरुणाचल प्रदेश से आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसलिए आज इस मंच में जिससे जिसके लिए सजाया है तवांग से लोंगडिंग तक मोम्पा सरदुकपेन आका मिजी निसी आपातानी गालो तागिन मिसमी नोक्टे वंचो कांति कावा मेंबा वर्षो और वंचो और इत्यादि से सभी विभिन्न कार्यकर्ता यह आया है। इसलिए आप सबको भी विजय एवं अरुणाचल प्रदेश की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आशा करता हूं आज दीपावली है जिस दीपावली में एक चिंगारी यहाँ जलाता है लेकिन जब वो ऊपर जाता है वो पटके आता है। इसलिए आज ये कार्यक्रम आप सबके लिए शुरुआत हुआ है। आने वाले कल में नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में आप सब आगे बढ़े और नरेंद्र मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो अपना घर भी नहीं है अपना घर परिवार अपना सुख शांति को छोड़कर समाज के लिए देश के लिए जीने वाला है और वो ही एक प्रधानमंत्री बना जो हमारे देश के लिए क्या कर सकता है महिला को लिए क्या कर सकता है। इसलिए महिला अधिनियम बिल हम सब के बीच में आया ऐसा संघर्ष करने वाले प्रधानमंत्री को भी हम अरुणाचल की इस
पावन बुरी दर्जी कंडो कन्वेंशन हॉल से भी उनको हम हृदय से धन्यवाद करता है। इसलिए आप सब मेरा बात को बहुत अच्छी तरह से सुनने के लिए आपको फिर से धन्यवाद। और आप सबको मैं भी आज इस मंच से दीपावली की मैं ऐसा विश करने को मिल रहा है मानी जी, साथ साथ में हमारे दूर दराज से आए युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट अर्पिता जी और हमारे साथ हमारे यहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा नतुंग जी, साथ साथ में हमारे यहाँ लोकल एमएलए मिला।